उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कर्मचारी की करंट लगने से मौत पर परिवार वालों ने एसपी कार्यालय के बाहर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। सुपरवाइजर पर प्रकरण दर्ज कराने की मांग को लेकर परिजन हड़ताल पर बैठे रहे। बता दें कि कर्मचारी बबलू की विद्युत पोल पर काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई। मौत से गुस्साए परिवार वाले एसपी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। गांव थाना भैरवगढ़ का एक मामला था जिसमें कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी की विद्युत कार्य करते हुए मौत हुई, जिसके संबंध में उनके परिजनों द्वारा कंट्रोल रूम पर उनकी बॉडी ला करके उचित कार्रवाई के संबंध में मांग की जा रही थी, जिसके संबंध में थाना प्रभारी को तत्काल अच्छे से उचित जांच करके उसमें वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी वो करने के लिए निर्देशित किया गया। ये जो रुई ग्रिड है यहाँ पे, सुपरवाइजर ने रात को फ़ोन लगाया होगा इसको कि बोलना कि वो लाइट ख़राब हो गई सही कर। तो उसने बोला कि साहब मैं तो हेल्पर हूँ, मेरे को नहीं आती लाइट सही करना। तो बोले पर चल फिर कल छुट्टी पे चला जाना। इस प्रकार की बात कुछ इनकी रात को हुई है, ऐसी जानकारी वहाँ से प्राप्त हुई है। फिर वो ग्रिड पर चढ़ा तो अब क्योंकि नया नया लड़का है ये वहाँ पर, उसको कुछ समझ पड़ी नहीं, तार पकड़ लिया और करंट आ गया, करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार जाँच होना चाहिए। अभी आज यहाँ एसपी साहब के यहाँ पर हम लेके आए थे, ज्ञापन देने के लिए आए थे, उसको लेके आए। पीड़ित परिवार बहुत गरीब है, अंतिम संस्कार का भी पैसा नहीं है और आप देख रहे हो कि शासन प्रशासन के कितनी मानवता बची, 1000 रुपये निकाल के दे रहे हैं और कल भैरवगढ़ टीआई इसको भगा चुका है इस परिवार को कि मेरा कायम कर देंगे बोले, और बाकी तो किसी पे एफआईआर नहीं होगी।